हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे और खूब सारा व्यस्त होंगे। तो जी हाँ, ये है वीकेंड का ब्लॉग। और ये देखिए, हम लोग कुरानिक पार्क आ गए हैं। कुरानिक पार्क एक दिन मैं आई थी ना रात को, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो सैटरडे था तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। तो ये देखिए, ये नीम का पेड़ देखते ही ना मन खुश हो जाता है, एकदम इंडिया याद आने लगता है। और यहाँ पे बहुत सारे नीम के और पीपल के पेड़ होते हैं, तो मैं जब भी देखती हूँ ना नीम पीपल, तो बहुत खुश हो जाती हूँ। हर जगह होते हैं, आजकल बहुत सारा लगाना शुरू कर दिया है इन लोगों ने यहाँ पे। और ये देखिए, हम लोग कुरानिक पार्क में अंदर जा रहे हैं। बहुत बड़ा सा पार्क है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, बच्चों की एक्टिविटी, और बहुत ही अच्छा, मतलब फ्लावर लगा हुआ है। और ये बहुत ही अच्छा पार्क है, जो नहीं आया होगा ना तो आया करिए, ये बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये एकदम अल-खवानीज़ वाला जो लास्ट एग्ज़िट है ना, तो एक तरफ लास्ट एग्ज़िट है, दूसरी तरफ अपोजिट साइड में ये पार्क है। तो उसमें थोड़ा सा हो जाता है कि लास्ट एग्ज़िट छोड़ के कैसे इस पार्क में आया जाए, लेकिन इतना पीसफुल है ना कि अच्छा लगता है। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा खाने पीने का नहीं अलाउ है, तो यहाँ पे आप अपना घर से भी कुछ ला के खा सकते हैं। और इस पार्क में ना ये सारी सब्जियाँ लगाई गई हैं, सारे हर्ब्स हैं, ब्लैक सीड, कद्दू, चना, मेथी, और ये क्या है? नहीं, अनियन सीड। हाँ, ये वाले देखो, मेथी है, मेथी। और ये देखो, ये ना कद्दू के फूल है। कद्दू के फूल का बड़ा अच्छा है, मम्मी लोग ना पकौड़ी बनाती हैं, बहुत ही बचपन की याद आ गई मुझे तो। ये देखो कितने सारे कद्दू के फूल ही फूल हैं, कद्दू के फूल बहुत सारे आएंगे तो एक साथ ही आने आने भी लगे हैं। सब्जी मतलब पकोड़े, कतरा बोलते हैं उसको ना, ये इसका जो कतरा बनता है, क्या मस्त लग रहा है ना। अभी उस दिन हम लोग आए थे तो बहुत कम था, लगा हुआ था। हैं, अब फल लग रहा है देखो। ये देखो, हम लोग बोलते थे ना ऐसे 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 उंगली मत दिखाओ, उंगली मत छुओ मत, नहीं तो मर जाएगा ऐसा ना। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, अंदर अंदर बहुत सारे होंगे। बहुत अच्छा आया हुआ है कद्दू की खेती, कद्दू की खेती दोस्तों, मजा ही आ गया। कद्दू के खेत में आओ, फोटो ले लेते हैं। ये देखो यार, क्या गजब दृश्य लग रहा है। हम लोग उस दिन वहां पे आए थे, अभी इधर चलेंगे, वो वाला जो छूट गया था, वो वाटर वाला एरिया देखने चल रहे हैं। चलो, क्या गजब सीन लग रहा है, मजेदार। हेलो, हम लोग कुछ टिफिन भी लाए हैं, चाय वाय बना के घर से, लेकिन एक ही साथ बैठेंगे उधर ही। मैट वैट देखो, सब लोग लगा के बैठे हुए हैं। हाँ, ये पेड़ ही सारे कितने सुंदर लग रहे हैं ना, कहो कितने प्यारे पेड़ लग रहे हैं सारे। हाँ, वाह वाह वाह, एकदम नेचुरल ग्रास है और सनसेट होने वाला है। हम लोग वहां गए थे उस दिन, देखिए। ये देखो फाउंटेन, वो लोग देखो जैसे लग रहा है पानी में से ऊपर से तैर रहे हैं ना, हम अचानक से दिखा रहे हैं कैसे तैर रहे। चलो दू, हम लोग भी तैरे थोड़ा, चलो चलो चलो, हम लोग तैरेंगे। चलो जी, हम लोग तैरना शुरू करते हैं। अभी देखो कहाँ चलते हैं। हाँ, वाह, इनक्रेडिबल, वाह वाह वाह, मजा आ रहा है। ये देखो पूरा ऐसे ऐसे गिर रहा है। ये देखो भाई, क्या बात है, हैं? ये देखो चिड़ियों कितनी सुंदर लग रही है, इतनी सारी, बहुत ही मजा आ रहा है भाई। Thank you.
ये देखिए यहाँ से कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है, और ये देखिए पूरा जो है व्यू दिख रहा है यहाँ से, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अद्दू महाराज कुछ तो वहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है, जबरदस्त चले क्या है? चलो 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 भाई सब लोग चलो, भागो 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 भागो। ये आर्टिफिशियल बनाया गया है ना, लेकिन रियल पहाड़ जैसा लग रहा है। बस सनसेट भी होने वाला है, चलते हैं अंदर देखते क्या है। ये किस चीज का पेड़ है यार, कुछ तो अच्छा दिख रहा है। ये पहला पेड़ ऐसा दिख रहा है जो यहाँ के जंगली जैसा पेड़ों जैसा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा हरा भरा लग रहा है। वैसे सारे ही हरे भरे हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली जो जंगली पेड़ होते वही चल पाते हैं। अरे अद्दू ये क्या, इस पे से उल्टा पुल्टा क्यों चढ़ रहे हो? हाँ हाँ यहाँ से चढ़ सकता हूँ? नहीं नहीं यार, अरे आंश कहाँ हनुमान जी बन गए क्या तुम लोग? अच्छा ये गेट की एंट्री है। फोटो के लिए मत जाओ भाई अद्दू, हम फोटो यहीं से ले लेंगे। आंश ओ माय गॉड कहा तो इस पार्क में ना बहुत सारी एक्टिविटी है जैसा कि मैं कह रही हूँ, और इतना सुंदर सनसेट भी दिखता है। तो ये सनसेट के साथ हम लोग यहाँ पे बैठ गए, घर से चाय बना के लाए थे और कुछ तो लेके आए थे हम लोग जो खा रहे हैं नमकीन जैसा, और छोटा मोटा ही लेके जल्दी से निकल आए थे क्योंकि हम लोग ना इतनी प्लानिंग से भूख नहीं लगी थी। तो ये देखिए लास्ट एग्ज़िट भी आ गए हैं, शाम हो गई थी, तो घर जाने से अच्छा है कि लाइटिंग जो होती है ना वो लास्ट एग्ज़िट में ज़्यादा अच्छी है। तो थोड़ा हम लोग इधर भी घूमने के लिए आ गए थे, पार्किंग तो वहीं पर लगी हुई थी, लेकिन क्रॉस करके आप वॉक करके भी आ सकते हो। तो इतना मतलब पास है, अपोजिट में है दोनों, एकदम एक तरफ पार्क है और दूसरी तरफ अल खवानीज़ वाला लास्ट एग्ज़िट है। अल खवानीज़ वाला लास्ट एग्ज़िट भी सबसे अच्छा है, सबसे बड़ा है। यहाँ की तो एक्टिविटीज़ मैंने कई बार कई सारे ब्लॉग्स में शेयर की हुई हैं, और यहाँ पे वो जो लॉक वाला ब्रिज है, और अभी हम लोग नेशनल डे हॉलीडेज़ पे भी आए थे, और विशिंग वेल यहाँ पे है। ये तो ये सब चीज़ें बड़े अट्रैक्ट करती हैं टूरिस्ट को भी, और जो लोग रहते हैं शाम को, विंटर्स में इतने अच्छे विंटर्स 3-4 महीने के होते हैं, तो यहाँ पे आना मस्त हो। शाम को वैसे हमेशा ही यहाँ पे अच्छा होता है, अभी जैसे रमादान आ जाएगा ना, तो इस बार तो रमादान मंथ भी अच्छे मंथ में पड़ रहा है, मतलब मार्च में ही, तो अच्छा वेदर रहेगा, बड़ा मज़ा आएगा। और बच्चों की एक्टिविटीज़ कितनी सारी है यहाँ पे, और शाम को तो यहाँ पे एक ही चीज़ का ये है कि आप घर से कुछ भी बना के लाते हो तो वो नहीं खा सक पी सकते, चाय भी नहीं पी सकते यहाँ पे, आपको बाहर जा के खाना पीना जो भी है, और यहाँ से यहाँ की चीज़ें ही ले सकते हो। ऐसा हम लोगों ने एक बार देखा था, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ। और बाकी तो सब ठीक है, मतलब कुछ लेके आते हैं तो आप दूसरी तरफ अपोजिट में पार्क में जा सकते हैं, और बाकी यहाँ पे घूम फिर सकते हैं। यहाँ पे वैसे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, जिसको पसंद आए तो वो सब भी खा सकते हैं। हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है ना कि हम लोग प्योर वेज रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, मतलब वहीं खाते हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम दुबई में थोड़ी सी तो हो जाती है। मतलब वेज तो बहुत जगह मिलता है, लेकिन प्योर वेज रेस्टोरेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम लोग खाना पीना थोड़ा सोचते हैं साथ में रहे और ज़्यादा इन्जॉय कर पाते, ज़्यादा कंफर्टेबल रह पाते। और ये देखिए ब्रिज कितना ही सुंदर लग रहा है यहाँ से, और ये बच्चा जो था ना वो पानी में लिटरली गिर गया था यहाँ पे, तो फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब बच्चे कैसे गिरे, बहुत सिक्योरिटी की पूछताछ होने लगती है, क्या हुआ कैसे हुआ, जैसे केस फाइल होने लगता है। तो हम लोगों ने ये भी देखा यहाँ पे किसकी गलती थी, क्या हुआ, वो लोग कैमरा चेक करने लगते हैं। तो ऐसे ही रही हमारी शाम, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और देखिए मेरा मन एकदम खुश हो गया है।
तो यहाँ आके ऐसा ही लगता है हमेशा ही। तो ज़रूर बताइएगा आप लोग गए हैं कि नहीं। थैंक यू।